हाय जी, यहाँ पे क्या है? थैंक यू। ये भाई चले सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे थैंक यू। ये चलो बाइट कर लेंगे ना, एक तो मैंने अपना शो किया था, एक हिमाला था, तो उसमें एक सुपर नेचुरल टच था, तो नाउ दिस लाल इश्क में एक सुपर नेचुरल टच है, तो दैट्स व्हाई आई सेड यस, आई हैव वर्कड बिफोर आल्सो, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट का जो एक पूरा शो हमने बनाया था, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज प्यार किस कितने तरीके का हो सकता है, और ये एक एपिसोडिक शो है, तो हर एक कहानी, एक एक घंटे की जो कहानी है, वो हर कहानी अलग अलग है, तो आपको कई सारे प्यार के रंग देखने को मिलेंगे, तो वही है लाल इश्क एक्चुअली। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद? एक्चुअली आई नॉट वर्क विद कृतिका, बट आई सीन हर वर्क एंड आई शी इज वेरी गुड एट हर वर्क, एंड डोनाल्ड आर फर्स्ट टाइम वर्किंग विद, तो मैंने जब पहली बार डोनाल्ड का नाम सुना तो मुझे पता नहीं था, फिर मुझे जब मैंने सुपर नेचुरल की बात आई तब मुझे समझ में आया कि अच्छा हाँ, शी इज द वन। तो बेसिकली अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा मैं, वो होता है एक प्यार में पागलपन, कि जब आप किसी से प्यार करते हो और अगर उसे कुछ हो जाए तो आप कोई भी चीज़ कर जाओगे, जब चाहे वो चीज़ सही हो या गलत, बस आप उसे पाना चाहते हो या उसे ठीक करना चाहते हो। तो वैसी चीज़ मेरे कैरेक्टर में है कि जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, उससे मिलता है, ऐसी कोई चीज़ ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे शायद मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खो, तो ऐसे में मैं एक ही तरीका है उसे बचाने का, चाहे सही हो गलत, मुझे वो करना होगा तो ही मैं अपनी ज़िंदगी में वो लड़की ला सकता हूँ। तो इट्स अ पैशनेट लव, और प्यार में हर हद पार कर सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि होता कि जिससे कोई चीज़ होती है जो अधूरी होती है वो छूटती नहीं, वो अपने साथ ही रहती है। हम हमारी लाइफ में कहते हैं वो कर्मा, जब भी आप कोई गलत कर्मा करते हो तो हमें लगता है कि हम छूट गए, लेकिन वो चीज़ हमारे साथ ही रहती है ज़िंदगी, जब तक वो चीज़ से हम बाहर नहीं निकलते। ओके मैम, आप दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो कुछ आपके बारे में बताना चाहिए? काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप दोनों। मैम लोग कैमरा रतन बूम नीचे तो माय स्टाइल है, उसको मैं पीछे कर दिया ना, अब ज़ूम कर मैं आगे सारा क्लोज करता हूं आगे। मैम आप दोनों आई एम दिस लवली वेस्टर्न, थोड़ा सा इंडियन टच है उसका। उनका वाइट कलर क्या रखा है क्या दिनेश ने? कैमरा मैंने क्या है, किशन है यार, हिंदी मार थोड़ा पीछे आना। एक्चुअली मुझे लगता है सब जितने लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा महसूस होगा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है, कभी ऐसा होता है कि किसी ने हाथ रखा होता है, हमें लगता है कुछ नहीं, हमें किसी ने सच में वो छुआ था या कुछ कोई था, तो वो जो है एलिमेंट वो मेरे हर एक की ज़िंदगी में, और वो कहीं ना कहीं हम रिलेट करते हैं। जब मेरे पास ये स्टोरी आई थी तो मैं खुद सुपरनैचुरल में बिलीव नहीं करता, बट जब मैं सीन शूट कर रहा था तो उस चीज़ को महसूस कर रहा था कि जिस तरह से लाइट बंद हुई बहुत अच्छा आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बिलीव हुआ कि ऐसी चीज़ें वो चीज़ होगी, कहीं ना कहीं एक बिलीफ है, मैं कहीं मतलब ये बिलीफ है जो हमें उस चीज़ से वाकिफ करा था। मेंटली आप जो सोच रहे होते हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो फिर आपको लगेगा कि भूत है वहाँ पे सच में, अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए यू विल नेवर बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, तो थोड़ा मेंटली आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बट तो जो ये हमारी स्टोरी है लाल इश्क, इस पर कुछ भी भूत या हॉरर एलिमेंट नहीं है, जस्ट अबाउट द सुपर नेचुरल थिंग्स और जस्ट अबाउट दैट फीलिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप बताइए आप कितना घबराती हैं रियल लाइफ में, क्या आप बिलीव करती हैं इन सब? एक्चुअली मैं बिलीव करती नहीं हूँ, बट एक एक ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, बट थोड़ा सा सुपर नेचुरल टाइप है। बचपन में मैं पूना गई थी, मेरे आंट के कमरे में
रहने आंट यूएसए से है तो कजिन से यूएसए से आए थे एंड आई वाज स्लीपिंग ऑन द टॉप फ्लोर माय मॉम वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी एंड अचानक मतलब मैं जस्ट सोने गई थी मैं सोई नहीं थी एंड अचानक मैंने कुछ सुना आई थॉट मैंने आँख खोली तो मुझे मेरे कज़िन दिखे आई थॉट कज़िन थे जो चल रहे थे राइट से लेफ्ट खिड़की की तरफ तो मैंने सोचा शायद कुछ होगा जो ढूंढने आए हैं तो मैंने आँखें बंद की जस्ट एक सेकंड के लिए फिर खोला देखा कोई नहीं था यू नो एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ ये कहाँ चले गए और कौन कौन आया था तो मैंने मॉम को भी बताया शी वॉज लाइक अ लिटिल स्पूक्ड And then she said, light on करके सोए क्या? I said, नहीं, just rock the light and let's sleep. Next morning मैंने cousin से पूछा कि आप आए थे? He said, नहीं, I was jet lagged and I was supposed to sleep. मैंने भी सोचा कि ये क्या था? पता नहीं इसको. हमारा ऑडियो आ रहा है? But I'm sure I was not sleeping and I'm very very sure कि मैंने उस person को जो person भी लग रहा था पता नहीं क्या था मैंने देखा है. Thank you so much and best of luck. खुश हो गए आप इतना सुन की कहानी सुन के सो पाएंगे आप लोग हाँ आप लेफ्ट से राइट तक आ जाओ लेफ्ट से पहले बाद में लेफ्ट से साइड हेलो सैंडा मैम रुकिए And again, yeah. Huh? All of you, look here, please. Yeah. One second. Yeah, solo. Please smile on your face. Solo. Thank you. Solo. Yeah. Single. And just shift here. Bus. Left to right. Look here. Look center here. Ma'am, look here. Yeah. Left to right only. Look now. Look center. Just hold here. Look here. सेंटर में नहीं हुआ है इधर 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 नहीं देखा सेंटर में नहीं देखा shades to love. Sometimes people go away from us and are trying to reach out to us. And we've tried to create some very beautiful, soulful love stories for you. So I really hope that this attempt of NTV is appreciated by the audience and you guys like what we've done. Good evening everybody. I represent Jasmine Entertainment. We are a producer on initiative by ANTV. It talks about Lalish jaise aapko kehna hai. Love stories hamesha khoobsurat hoti hai aur jab usme ek twist aa jata hai to aur bhi khoobsurat ho jati hai aur so it's a marriage between love stories and the thrill. So jo ANTV ने अटेम्प्ट किया है आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज हमने दोनों जॉनर्स को अलग अलग हमेशा देखा है टेलीविजन पे एंड ऑडियंस ने हमेशा अप्रिशिएट किया है बट दिस टाइम वी ट्राई टू मैरी बोथ ऑफ देम एंड मेक समथिंग स्पेक्टेकुलर फॉर पीपल टू एंजॉय ओवर द वीकेंड और वीकेंड एक ऐसा टाइम होता है एवरीबॉडी वांट्स टू हैव सम थ्रिल इन लाइफ So people go to the weekend, so we are giving you a weekend thrill sitting at home. So enjoy Lavish. Thank you.
कृतिका राव अरे मोबाइल एंड निशिता का चाचा मोबाइल नीचे रखो अच्छा लाइट चालू है शादा चले दे थोड़ा अपनी अपनी लाइट चालू बाजू वाले को थोड़ा तो जाएगा हम तो कभी लेके ही नहीं आते लाइट आगे कोई नहीं जाएगा भाई उन लोगों को पीछे भेज देना ये शाहरुख मोबाइल नीचे कर डीएसएलआर नीचे लेना अरे यार उनके मुंह पे एलईडी की वो गिर रही है यार अच्छा क्या अरे भाई दो बहुत है यार दोनों चीज करा हुआ वीरल का बन गया है चलो थैंक यू अरे अजय क्या कर रहा है यार तू अजय अजय नाम है अजय अरे मैडम सीट मैडम मैडम सीट सारे लोग बहन चल रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो भी बना रहे हैं वो फोटो भी बना रहे हैं समझे क्या था कौन वो ही अजय नहीं फोटो खड़ा क्या मार चाइना फोन खोल रहा है भाई आजकल तो एमआई चल रहा है मार्केट में अभिषेक मुसलमान से नहीं लग रहा अजय की ऐड बहुत ज्यादा है यार बस यार वीडियो कर लास्ट तक वीडियो कर रहे फोटो कर रहे शांता वीडियो शांता बहन ने तो क्या छपने जाने विजुअल इतने कुछ बोल रहा हूँ मैं सिखाती हूँ मैम इधर या मैम ओके मैम काफी अच्छा लग रहा था प्रोमो कुछ बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में प्रोमो बहुत ही अच्छा है मैंने अभी अभी जस्ट कल ही मैंने शूटिंग ख़त्म की है सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट जैसे सब ने बताया हमारे रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स ने डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएटिव है उन्होंने बहुत अपने डिफरेंट क्रिएटिव माइंड से एक बहुत ही अच्छा शो बनाया है थैंक्स टू एंटी एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड मेरा किरदार बहुत ही डिफरेंट है अगर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आने वाला है कहानी तो
वो आपको पता चलेगा, जहाँ पे प्यार आपको जब बहुत कुछ देता है ना, तब सुपर नेचुरल पावर आपसे छीन लेता है. प्यार आपको प्रोटेक्ट करता है, वहीं पे सुपर नेचुरल पावर आपको खतरे में डाल देता है. सो यहाँ पे यही ट्विस्ट है कि या प्यार जीतेगा या सुपर नेचुरल पावर जीतेगा. सो यहाँ पे यही चीज़ लाल इश्क को बहुत डिफरेंट बनाता है अलग अलग शो से. इन्होंने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की कुछ डिफरेंट बनाने का. सो आप देखिए एंड आप खुद ही बताइए. How was the experience working with your co-star? And it was amazing. It was amazing. The Gaurav Khanna, he was wo mere opposite mein the, and it was so humble and so supportive. And the entire cast was there. And maine itna enjoy kiya hai. Aur kal hi shooting khatam ho gaya hai. To main unko miss karne wali hu. That's what. Okay, Lal Ishq show ka naam anokha lag raha hai. Kaisa lag raha hai? Koi horror hai? यही सबकी ना गलती की हॉरर नहीं है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट मतलब पैशनेट लव है, उसके साथ सुपर नेचुरल ट्विस्ट है. सो यही इसको डिफरेंट बनाते हैं. इट्स नॉट अ हॉरर हॉरर शो. सो दैट यस लाल इश्क में आप किसे इश्क करने वाले? मैं लाल इश्क में गौरव खन्ना के साथ इश्क करने वाली हूँ. एंड पूरा जो स्टोरी है, मैं अगर थोड़ा भी बहुत बताऊँ मैं कहाँ से मतलब बिलोंग करती हूँ, तो ट्विस्ट खत्म हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वो थ्रिल वो ट्विस्ट रहने दीजिए एंड कुछ दिनों में आपको देखने को. हमने बहुत सारे इश्क देखे, तो ये लाल कितना अलग होने वाला है? देखिए इश्क का रंग सब बोलते हैं, कोई बोलता है लाल है, कोई बोलता है सफ़ेद है. सो डिफरेंट थाट्स इज देयर. सो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि ये बहुत पैशनेट लव है, प्यार है. सो डेफिनेटली लाल इश्क लाल ही रहेगा. ओके मैम, आप काफ़ी सुंदर दिख रही हैं, आपके ड्रेस के बारे में ओके थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं लास्ट फ्यू डेज वो नाइट शिफ्ट कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ क्या करूँ. तो मैं जस्ट सिंपल एक ड्रेस पहन के आई हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. उधर भी पैन करेगा ना? नहीं ऐसे भी हाँ. अरे दादा बाद में फोटो खींचते हैं. द लास्ट शो आई डिड वॉज कॉमेडी ऑन कलर्स. सो मैंने सॉरी ओके द लास्ट शो आई डिड वॉज अ कॉमेडी. रेडी सर आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए. हाँ कैरेक्टर के बारे में बताऊँ, सो ही इज़ फ्रॉम बनारस एंड बनारस की स्टोरी है. और आपने देखा बनारस में कैसे होते, थोड़े यू नो अल्लर टाइप के होते हैं कि भाई मस्त मौला रहते हैं और मतलब अपनी एक दुनिया होती है, अपने एक थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं. सो ही इज़ लाइक दैट. बट ऑल्सो यू नो होता है ना कि प्यार में बड़ा बिलीव करता है ये. एंड कैसे रिया के कैरेक्टर से उसको प्यार हो जाता है, बिकॉज एक होता ना एक नोकझोंक चलती रहती है इन दोनों के बीच. बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो भी बनारस से ही है. और ये लड़की जो है वो बहुत ही अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है. उसके डैड एक लोकल केबल ऑपरेटर हैं. तो इसे एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन हाँ बनारस के जो बेसिकली जो छिछोरे लड़के रहते हैं उनसे उनसे ये बहुत सतर्क रहती है और उन्हें हमेशा वॉर्न करती रहती है कि बेटा मुझसे दूर रहना. और कैसे ये जय के कैरेक्टर से मिलती है और उन दोनों को प्यार हो जाता है और कैसे उनकी लव स्टोरी में सुपर नेचुरल ट्विस्ट भी आ जाता है. देखो इतनी सारी चीज़ें हमारी स्टोरी में, तो हमारी स्टोरी देखिए. We have given you a very good reason to watch our show. It's actually, it will be a treat for all the audiences to watch something with love story and supernatural twist also. And aise nahi ki, you know, it's coming like all the days in the week. It's just coming in the weekend. And it's very short and sweet stories, you know. So you should definitely watch. हाँ ये बताइए रिया जी, प्लीज बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. We are very sorry. अब तक हमने शूट नहीं किया है, but we know about the story, we know what we are doing in the show, sab pata hai, but ab tak shoot nahi hua hai. And definitely thode time baad hamari story aane wali hai, so accordingly you know sabka shoot chal raha hai. Okay, abhi tak zindagi mein kitna pyar hua hai? Abhi tak to hua nahi hai, but
Maybe sometime in life. अच्छा सर, आपका जो बनारस में आपके लड़के तो बनारस का पान खाने वाले हैं? बनारस का पान बिल्कुल खाएंगे यार, ऐसा नहीं है कि बनारस की स्टोरी तो ही बनारस का पान खाएंगे, हम तो वैसे भी खाते हैं. बट सी, मैंने ऐसा पहले प्ले नहीं किया है, बिकॉज आई रियली आई एम वेरी एक्साइटेड ऑलवेज, यू नो, कि कुछ नया प्ले करने को इन एफ आई गेट. And this is something different कि बनारस की स्टोरी है, लड़का थोड़ा यू नो वैसा है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज एंड द डायरेक्टर सचिन मोहिते, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम टू. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. थैंक यू. रेडी ओके, ये लाइट है ना, उसको लेट्स रोल. जो लाइट है ना, लाइट लाइट वाले, लेट्स रोल एन एक्शन. हॉरर नहीं है माइंड यू, हॉरर नहीं है ये, रोमांस तो आई थिंक काफ़ी सारी स्टोरीज में आपको देखने को मिलता है. ये जो एक रोमांस है ये अलग ही एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट के साथ है और एक पैरानॉर्मल ट्विस्ट के साथ है. सो ये मुझे जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे अच्छा लगा पर्सनली. तो मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगती है ना, मैं उसे अपने दिल में रख लेता हूँ, फिर मैं वो करने बैठ जाता हूँ. ओके, कैसा मिला आपको कुछ व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट. हाँ, थोड़ा जॉनर अलग था स्टोरी का, और एपिसोडिक मैंने कभी ट्राई नहीं किया. और मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में एपिसोडिक के अगेंस्ट था, मतलब मुझे अजीब सा लगता था एपिसोडिक करना. बट नाउ दैट आई हैव डन इट, सो आई थिंक एपिसोडिक्स भी इंटरेस्टिंग होते हैं. फाइनाइट सीरीज जो 3-4 दिन की होती हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं. सो सो आई थिंक आई एम गोना ट्राई मोर डूइंग मोर एपिसोडिक्स नाउ. ओके, आपका जी टीवी कल, स्टार प्लस नाउ, एंड टीवी, हर चैनल आप सारे चैनल में धूम मचा दे करके छोड़ ही नहीं किसी को, आग लगा देंगे जी. ओके, माइक के साथ काम करना, हाउ वाज एक्सपीरियंस? वेल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पहले दिन से ही. हालांकि वो मुझे जानती नहीं थी पहले, हम लोग मतलब जानते होंगे ऑफकोर्स नाम के थ्रू, वो मुझे जानती होंगी, मैं उन्हें जानता था. बट कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई वो इंडस्ट्री में पहले से हैं. तो डे वन से ही जो हमारा एक रिपो था, जो जो दो दोस्ती थी वो बस बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, 3-4 दिन में बढ़ गई. क्या आपके कैरेक्टर के बारे में? यह मेरा जो कैरेक्टर था वो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही लविंग नेचर का था, प्लस एट द सेम टाइम वो इंसान जो था वो जो कमिटमेंट होता ना, कमिटमेंट से डरता था, जो कि आई थिंक आप लोग सभी कमिटमेंट से डरते होंगे अनलेस आप लोग शादीशुदा हो. बट हाँ, तो वो कमिटमेंट से डरता था, बट प्यार बहुत करता था अपनी गर्लफ्रेंड को. और जब शहर छोड़ के जाता है फिर वो पता लगता है उसकी गर्लफ्रेंड मर गई है, उसे चीज़ें मतलब बहुत सारी. आई थिंक यू गाइस नीड टू सी दिस शो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि है क्या एग्जैक्टली. ओके, लाल इश्क में, लाल इश्क में आप किससे किससे इश्क करने वाले? लाल इश्क में किस किस से इश्क करने वाले हैं? आई थिंक शहर कैरेक्टर नेम शहर से इश्क करने वाले. एंड या ओके सर, हमने टीवी में आपको हर जगह देखा, आप बहुत रोमांस करते हैं, असल जिंदगी में कितना रोमांस करते हो, क्या प्यार में आप पड़े? आपने देखा है मुझे कभी रोमांस करते हुए? हैं नहीं यार, आई थिंक इट्स अ वेरी लव जो है बहुत ही जैसे कहते हैं ना, बहुत रिलीजियस चीज़ है. तो आई थिंक अगर आप प्यार में पढ़ते हैं तो आई थिंक यू गॉट बी सीरियस एंड यू नो कमिटमेंट आपको उसी लड़की को देना चाहिए. ओके, रिसेंटली हमने सुना था आप काफ़ी, आपको कुछ परेशान कर रहे हैं आपके बिल्डिंग के लोग, मुझे क्यों परेशान है? नहीं नहीं यार, वो पहले था कि सोसाइटीज घर नहीं देते मतलब रेंट पे, वो था, वो आपने थोड़ी गलत गलत स्टोरी. इट्स बीन सॉर्टेड नाउ. Thank you. Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. Subscribe कीजिए. Please subscribe.